तो चलिए इसे देखते हैं कैसा बना है ये। मज़ा आ गया फ्रेंड्स, मानसून आ गया है और अगर आपको इस टाइम में अगर आपको क्रंची क्रिस्पी अगर आपको मिल जाता है यहाँ पे आपको खाने के लिए फ्रेंच फ्राइड, तो क्या मज़ा आ जाएगा। वाह 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 वाह। तो चलिए अपने इस वीडियो में मैं बनाता हूँ क्रंची क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइड। कैसे बनाते हैं इसे बड़े ही आसान तरीके से मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। सो चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि आपको यहाँ पे क्या करना होता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे करना ये होता है कि आपको लेना पड़ता है एक बड़े साइज का आलू। तो आपको इस तरीके का आपको आलू लेना है बड़े साइज का। आप यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं ये बड़े साइज का आलू है। यहाँ पे देखिए मैंने ये सब सारे जो आलू हैं ये बड़े साइज के आलू हैं। इसे थोड़ा सा काटना आसान रहता है और आपके जो फ्रेंच फ्राइड जो बनेंगे वो थोड़े से अच्छे होंगे, लंबे होंगे तो दिखने में भी अच्छे लगेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको आप देख पा रहे होंगे जैसा कि इसे अच्छी तरह से आपको धो लेना है साफ पानी से। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसके छिलके को उतार लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से आपको इसके छिलके को उतार लेना है और छिलके को इस तरीके से उतारना है कि थोड़ा डीपली उतरे। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से बिल्कुल आपने उतार लिया तो इसके जो स्टार्च होंगे वो थोड़े से ज़्यादा रहेंगे तो आपके जो फ्रेंच फ्राइड जो बनेंगे वो क्रिस्पी नहीं बन पाएंगे और थोड़ा सा रेडनेस इसमें ज़्यादा आ जाएगा। तो आपको इसका भी ध्यान रखना है। आपका देखिए ये अच्छी तरीके से कट जाए इसके लिए आपको क्या करना है कि इसके बेस को थोड़ा सा इस तरीके से पहले काट लेना है। आप अगर इस तरीके से काटेंगे तो आप देखेंगे कि आपका बेस पे ये अच्छी तरीके से बैठ गया है। अब इसके बाद थोड़ा सा साइड से मैं काट लेता हूँ, इसे हटा लेता हूँ। इसके बाद यहाँ से आपको इस तरीके से इसे काट लेना है, प्रॉपर तरीके से आपको काटना है ताकि इसका जो साइज बने वो एक तरीके से बने। ये थोड़ा सा इसे भी मैं काट लेता हूँ इस तरीके का। आपको देखिए बन गया। अब इसके बाद आपको कुछ इस तरीके से इसे खड़ा करना है और इसके बाद जब इसे काटेंगे आप तो चलिए पूरी तरह से एक बार नहीं कट पाएगा तो इसे थोड़ा साइड रखता हूँ और इसे बेस बैठाने के लिए मैंने इस तरीके से पलट लिया। अब इसे मैं काट लेता हूँ। आप देखेंगे कुछ इस तरीके का आपको ये बन जाएगा। तो आपको इस तरीके से जैसा भी आप चाहें, जिस तरीके से आपको आसान लगता हो उस तरीके से आप इसे काट लीजिए। और एक सबसे बड़ी बात इसे ध्यान ये रखना है कि आप जैसे जैसे काट रहे हैं जितनी जल्दी हो सके आप इसे कोल्ड वाटर में तुरंत का तुरंत आप इसे डाल दें। जैसे ये देखिए मैंने इसे डाल दिया यहाँ पे। आपको इसे जैसे जैसे काट रहे हैं वैसे वैसे आपको इसे डालते जाना है। इससे क्या होगा कि आपके जो ये आलू हैं इसमें रेडनेस नहीं आएगा। जब आप इसे छानेंगे तो इसमें रेडनेस नहीं आ पाएगा। तो ये एक अच्छा तरीका होता है। तो इसमें आपको इस तरीके से डाल लेना है और जितना चाहें आपको जितना बनाना है उतना आप काट कर इसे कोल्ड वाटर में पहले डाल लेना है। अब फ्रेंड्स देख सकते हैं ये कि मैंने ये सारा यहाँ पे फ्रेंच काट लिया है। और यहाँ पे काटने के बाद अब इसे क्या करना है कि एक फ्रेश जो आपके पास किचन टॉवल्स जो होंगे उसमें आपको इसे रखना है। कैसे, चलिए इसे इस तरीके से आपको निकालना है और इस पे आपको फैला लेना है। मतलब इसकी जी इसमें जितने भी जो अभी इसमें वाटर जो है पानी जो है इसे आपको थोड़ा सा सुखा लेना है। इस तरीके से जब आप करेंगे तो इसमें जो भी जो एक्स्ट्रा जो पानी इसमें आ गया है वो आपका यहाँ से सूख जाएगा। चलिए इसे साइड रख लेता हूँ और इसे कुछ इस तरीके से आप इस पे फैला लीजिए। और फैलाने के बाद कुछ इस तरीके से इसे सुखा लीजिए। जब कुछ इस तरीके से आप करेंगे तो इसमें जो भी जो एक्स्ट्रा जो पानी है वो निकल जाएगा और सूख जाएगा। चलिए इसे थोड़ी देर में रहने देता हूँ। अब फ्रेंड जैसे ही इसका पानी सारा निकल जाता है उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे मैं लेता हूँ एक ट्रे और इसमें मैं यूज करूँगा ये थोड़ा टिश्यू पेपर। इसे टिश्यू पेपर मैं यहाँ पे बिछा देता हूँ और ये जितने भी जो फ्रेंच हैं
इसे आपने रखना है इस पे, इस तरीके से फैला लीजिए ताकि इसमें अगर कुछ पानी अगर बचा हुआ रह भी जाए तो ये जो टिश्यू पेपर है इससे ये ड्राई हो जाए। आपको कुछ इस तरीके से इस पे फैला लेना है। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, इसे 30 मिनट्स के लिए एटलीस्ट फ्रीजर में हम लोग डालेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। सो फ्रेंड्स ये देखिए, यहाँ पे देखिए आप, ये बिल्कुल ये ड्राई हो चुका है, आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल ये ड्राई है, बिल्कुल इसमें कोई भी मॉइस्चर नहीं है, बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब ये बिल्कुल फ्राई करने के लिए रेडी है और हमारा जो वाइल है ये भी ऑलमोस्ट बिल्कुल हिट है। तो चलिए इसे हम लोग थोड़ा सा पहले फ्राई करेंगे। तो चलिए मैं इसके टिश्यू पेपर को पहले हटा लेता हूँ यहाँ से मैं इस टिश्यू पेपर को हटा लेता हूँ और ये फ्रेंच को यहाँ से मेरा बिल्कुल ये तेल जो है हॉट है। चलिए इसे थोड़ा सा फ्राई करते हैं। अब इसमें फ्रेंड्स एक ध्यान रखने वाली बात ये है कि अभी जो हम लोग इसे फ्राई करेंगे ये ऑलमोस्ट एक मिनट के लिए हम लोग इसे फ्राई करेंगे ओनली, ताकि इसमें अगर थोड़ी सी भी अगर कुछ पानी बची हुई हो तो वो भी इसका ड्राई हो जाए। तो चलिए इसे थोड़ा सा एक मिनट के लिए हम लोग इसे फ्राई करेंगे। ये ऑलमोस्ट हम लोगों का 1 मिनट हो चुका है। तो इसे हम लोग अब फिर से बाहर निकालेंगे और इसे निकालने के पहले हम क्या करेंगे कि अपने जो ये ट्रे हैं इसमें फिर से मैं लगाऊंगा टिश्यू पेपर। आप ये देख सकते हैं इसमें मैं कुछ इस तरीके से फिर से टिश्यू पेपर को बिछाऊंगा ताकि इसमें जो भी जो अभी जो वाइल्स वगैरह जो रहेंगे इसमें जो तेल होंगे एक्स्ट्रा ये सूख जाएंगे। तो इसे चलिए निकाल लेता हूँ, गैस को कम कर लेता हूँ और इसे निकाल लेता हूँ। सो देखिए यहाँ पे सारा जितना भी जो वाइल है ये इस टिश्यू पेपर में यहाँ पे जा रहा है। अब इसे हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा सा टिश्यू पेपर इस पे और रखेंगे ताकि कुछ जो वाइल्स इसमें जो भी और जो रह चुके हैं ये भी इसके साथ में ड्राई हो जाएगा। ये अब देखिए कुछ इस तरीके से हम लोग कर लेंगे जिससे मैं इसमें एक्स्ट्रा जो वाइल हैं वो निकल जाएंगे। अब इसे 5 मिनट के लिए फिर से हम लोग रख देंगे ताकि जो भी जो इसके अंदर में जो एक्स्ट्रा वाइल हैं वो निकल जाएंगे, उसके बाद हम लोग फिर से इसे फ्राई करेंगे। सो फ्रेंड्स ये ऑलमोस्ट 5 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए इसे मैं हटा लेता हूं और आप देखिए एक्स्ट्रा जो भी वाइल हैं यहां पे निकल चुके हैं। तो चलिए अभी से हम लोग फिर से फ्राई कर लेते हैं। तो चलिए फिर इसे मैं हटा लेता हूं, आप देखिए कितना ये वाइल इसमें से बाहर आया है, आप देख सकते हैं यहां पे बहुत ही ज़्यादा वाइल था इसमें। और इसे हम लोग फिर से फ्राई करेंगे। ये देखिए और मीडियम फ्लेम पे इसे आपको फ्राई करना है गोल्डन ब्राउन होने तक। एक मीडियम में एक सुनहरा जो कलर होता है वो इसका आ चुका है। तो ये ऑलमोस्ट रेडी है। तो अब हम लोग इसे निकाल लेंगे। ये हम लोग टिश्यू पेपर पे यहाँ पे निकाल लेते हैं। ये सर्व करने के लिए बिल्कुल गर्मा गर्म क्रंची क्रिस्पी आपका ये रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल आपका क्रंची और क्रिस्पी आपका फ्रेंच फ्राइड ये रेडी है। तो इसे चलिए सर्व करते हैं और लेते हैं इसका मज़ा, कैसा लगता है टेस्ट ये भी हम लोग देखेंगे। साथ में हम लोग इसके लेते हैं ये रेड वाली चटनी और साथ में ये लेते हैं चिली वाली सॉस। तो चलिए इसे देखते हैं कैसा बना है ये। मज़ा आ गया। तो इस तरीके से बड़े ही आराम से आप बना सकते हैं और मज़े लीजिए इस मानसून में।
अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले।